बोलू जिंदाबाद 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 कुशेश खट्टर जिंदाबाद कुशेश खट्टर मुर्दाबाद 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 कुशेश खट्टर मुर्दाबाद 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 कुशेश खट्टर मुर्दाबाद 2024 का मुख्यमंत्री जिंदाबाद 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 2024 का मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें देख सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ पर 12-13 राउंड आ चुके हैं और उसमें अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन कम जरूर हुआ है लेकिन बाहर देवीलाल के समर्थकों और अभय सिंह चौटाला के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी संख्या में लोग देख सकते हैं हरियाणा भर से पहुंचे हैं। चाचा बिल्लू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सोचते हैं कि जीत गए? नेक्स्ट सीएम भाई अभय सिंह चौटाला 8,000 वोटों से जीत रहा। ये अभय सिंह के पूरे किसान पूरे हरियाणा की जीत है। ये अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। बीजेपी सब मांगे भूखे एक हो गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला फिर भी इनसे जीत रहे हैं क्योंकि ये जितने भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी माफिया थे मजदूर की जीत है जी, किसान मजदूर की। जो लोग ये कह रहे थे कि हमने लॉस्ट ईयर चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने की कोशिश नहीं की, आज का टाइम उन लोगों ने बाप माँ बेटे भाई सब लोगों ने अभय सिंह चौटाला के खिलाफ प्रचार किया फिर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत कम हो गया। जहाँ पहले हजारों वोटों से जीते थे अब 5,000 से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चारों पार्टियां एक होकर इलेक्शन लड़ी थी सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए। भूखे नंगे लोगों ने इतने पैसे बांटे फिर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जीते। अभी 3 राउंड बाकी है, क्या लगता है जीत जाएंगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला 8,000 प्लस वोटों से जीतेंगे और इन सभी की जमानत जब्त करवा देते हैं। परंतु इन्होंने पैसे के बल पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। शासन प्रशासन बीजेपी सब दल एक हो गए थे। देख सकते हैं समय चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ पर हालांकि अभी 3 राउंड बाकी है लेकिन इन लोग कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, नारेबाजी करनी शुरू कर दी है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि किसान आंदोलन इसमें कहीं ना कहीं भूमिका अदा रही उसकी। आज के बाद सुशासन कुशासन का अंत हो गया, किसान कमेरेगा राज बनेगा, सारा हरियाणा जय जयकार करेगा चौटाला साहब का। एक सीट से क्या लगता है वो कैसे सीएम का कैंडिडेट बदलेगी? एक सीट से बराबर है, एक सीट लब्बे के बराबर चलेगा। शेर विधानसभा में किसानों की आवाज उठाएगा शेर। आने वाली 2024 में सरकार किसानों की सरकार INLD सरकार होगी। सिर्फ हरियाणा में एक ही नाम होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। गोविंद कांडा ने भी अच्छी टक्कर दी है, सिर्फ 4-5,000 का मार्क पैसे का खेल हुए, पैसे का खेल हुए। अगर अगर इसके पास अजय सिंह साथ नहीं देता तो इसको कोई गांव में नहीं घुसने देता था। और चुनाव ने इस चुनाव ने देवीलाल की विरासत का भी फैसला किया है। चौधरी अभय सिंह को इस चुनाव ने उतना उतर लगता है कि इस चुनाव में दुष्यंत अभय आमने सामने, अजय अभय सामने सामने, परिवार में दूरियां और बढ़ गई होंगी। हाँ जी, उन्होंने साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है, कांग्रेस का भी साथ दिया है। अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद है, आने वाला सीएम है। और गोपाल कांडा का पैसा बांटा है पब्लिक में, पैसा जड़ा पैसा बांट के एक एक वोट का 5,000 रुपए। और तस्वीरें देख सकते हैं अभय सिंह चौटाला के, हालांकि अभी 4 से 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जो जानकारी मिल रही है। 13 राउंड हो चुके हैं लेकिन अभी 2 से 3 राउंड बाकी है। और आप देख सकते हैं एहतियात के मद्देनजर गेट पर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर कड़ा सुरक्षा पहरा भी देखा जा सकता है, कड़ा सुरक्षा पहरा भी देखा जा सकता है। इस समय मौजूद है सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर जहां पर इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे लेकिन नतीजे आने से पहले ही इन एलो कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 राउंड अभी बाकी है लेकिन जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं।
भाई बिल्लू चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जीत गए भाई जीत गए, अभय सिंह जीत गए, कंडे कंडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खटर खटारा हो बर्बाद हो बर्बाद। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे सिरसा के जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो हालांकि कुछ ही देर में फाइनल हो जाएंगे, लेकिन 13 राउंड के जो नतीजे आए हैं उसमें 4000 के करीब बताए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। हालांकि लीड कम जरूर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जश्न पहले ही मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता पहले ही मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े पहुंच चुके हैं, ढोल नगाड़े पहुंच चुके हैं और जश्न। हालांकि 16 राउंड बाद फाइनल किसका बनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से लीड अभी तक अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं उसमें ये लगता है कि शायद अभय सिंह चौटाला ये सीट निकाल जाएंगे और इनेलो के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। इनेलो के कार्यकर्ता अभी फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही तिरकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे अभी, हालांकि 2 से 3 राउंड बाकी है, पहले ही जैसे बना रहे हैं। हाँ पूरी अभी दौड़ी बना देंगे, आज ही पूरी दौड़ी बना देंगे और 60,000 से जीतेंगे। मार्जिन काफी कम है, अगर ऊपर नीचे हो गया फिर क्या करेंगे? बिक गया वो, कांग्रेस को कुछ मिला नहीं, हम क्या करें? कांग्रेस ने हमारा मार्जिन। ये तो कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, 10,000 से जीत होगी कम से कम। मार्जिन बहुत कम हो गया, 5,000-4,000 रह रहे हैं इस समय तो। नहीं ये तो भाई साहब इकट्ठे कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, मिलके दो राउंड लग रहे हैं और लगता है और बढ़त होगी। हाँ उसमें बढ़त होगी बिल्कुल, पैसे भी बांट लिया गोपाल कांडा ने, गरीब जनता को पैदा फुसला करके वोट लिया। क्या कहना चाहेंगे जो दुष्यंत चौटाला ने भी चुनावी प्रचार काफी किया गोपाल कांडा गोविंद कांडा के लिए? अभय चौटाला शेरे किसान और किसानों का नेता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जवान के धनी है, इनको हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जेजेपी सारी पार्टियां मिल गई थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला की फिर भी जीत है कम से कम 10,000 वोटों से, और पैसा इतना बहाया जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने शहर के अंदर घूम के देखा, किसी को रास्ते की जरूरत थी, 9 लाख रुपये में रास्ता खरीद के उनको चौड़ा करके दिया, कहीं सीवरेज के पैप पर गड्डियाँ उतार दी, कहीं पोल रात को खड़े कर दिए, अभी शहर की लाइट देंगे आपको, मतलब हर तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला की जीत 10,000। आप देख सकते हैं 10,000 वोटों से जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ता, हालांकि 2 राउंड के फाइनल नतीजे रह गए हैं, 16 राउंड बाद ही कुछ फाइनल कहा जा सकेगा। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हरियाणा भर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, करनाल से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें समय सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU के बाहर से देख सकते हैं, जहां पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता नदारद है, लेकिन सिर्फ इनेलो के कार्यकर्ता यहां पर अब शेष बाकी रह गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए थे यहां पे, बीजेपी की कौन जी, हम इनेलो के पार्टी के कार्यकर्ता है। बिल्लू भाई साहब जीत के बड़ी खुशी की बात है और हमें बड़ा अच्छा समर्थन लोगों का मिला है, ये जरूर है कि सरकार का दबाव और उनका पैसा जो है बहुत वो चला है। मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन कम होने का मेन कारण यही है कि सरकार का जो प्रेशर था उन्होंने अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और धन बल को उन्होंने जिस तरह से यूज किया उसके कारण हमारा जो ये मार्जिन था घटा, वरना ये जीत 25,000 और 30,000 के बीच में थी। आप देख सकते हैं हालांकि जीत से पहले ही यहाँ पर जो इनेलो के कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, इनेलो के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। जिंदाबाद।
तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर, जहां पर कुछ ही देर में ये फाइनल हो जाएगा कि अलाहाबाद से अगला विधायक कौन होता है। लेकिन अभय सिंह चौटाला 13 राउंड के बाद भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि मार्जिन काफी कम बताया जा रहा है, 5 से 6 हजार बताया जा रहा है, अब शायद कुछ बढ़ गया होगा, अंदर जाकर वो भी हम आपको अपडेट दिखाएंगे। लेकिन इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इन एलो के कार्यकर्ताओं ने फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो में देखते हैं वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर इस समय मौजूद है, जहां पर 2 राउंड शेष बाकी रह गए हैं, 2 से 3 राउंड शेष बाकी रह गए हैं, और एहतियात के मद्देनजर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो भी यहां पर तैनात किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर यहां पर जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि 2 राउंड अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही इनेलो कार्यकर्ताओं का जश्न जो है यहां पर शुरू हो चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा।